नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और मैं बताने जा रही हूँ कुछ खास आज। ठीक है, सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि प्रश्न क्योंकि आ चुका है एनवीएस में, इसी से प्रश्न आया है, और प्रश्न इस तरीके का आया है कि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो। मैंने इसलिए आप लोगों की ये सारनाथ स्तंभ से जो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है, इधर हरियाणा का भी एग्जाम है, और इधर आप देख रहे हैं एनवीएस का, इधर केवीएस का भी एग्जाम है, तो केवीएस एनवीएस में क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो होता है। एक चीज मैं स्पेशली कहूंगी कि आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप लोग केवीएस एनवीएस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो चुका है, तो पैटर्न अब क्या है, नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, भले आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को उठा रहे हैं, तो उनसे आप लोगों की एक नॉलेज बढ़ जाती है, एक आप लोगों का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस भी चित्र को पढ़ रहे हैं, जिस चीज को पढ़ रहे हैं, उसका सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई पिक्चर पढ़ी, उस पिक्चर को आप गूगल पे डालिएगा, आपके पास गूगल है, आप इजीली उसको डालिएगा। मैं उस पर फेसबुक पर भी अपलोड करती हूँ पिक्चर्स को, जितनी भी आर्टिस्ट की पिक्चर हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूं, अगर आपको वहां से मिलती है तो वहां से देखिएगा, उसको ध्यान से देखिए कि आखिर इसमें रंग क्या है, इसकी माप क्या हो सकती है, इसका हासिया क्या है। अगर वह चित्र है, भित्ति चित्र है, तो उसको देखिएगा कि वो किस तरह से बना है, उसकी मुद्रा क्या है, मूर्ति है तो उसको देखिएगा, कोई चिन्ह है तो उसको देखिएगा, रंग क्या है, उसके शरीर पर क्या चीजें बनी हुई है, अगर वह आभूषणों से सुसज्जित है तो उसने कितने आभूषण पहने हैं, किस प्रकार के पहने हैं, उसकी बनावट क्या है, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पैटर्न जो है वो कहां से चेंज हो रहा है, जो क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक पूछे गए थे, अब उनमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि चित्रों पर फोकस किया जा रहा है, मेन चित्र क्या होने चाहिए। जैसे अभी आपने देखा है कि यूजीसी में तो आता ही है कि पिक्चर दे देता है, और पिक्चर के बाद आपको सीधा सीधा क्या है कि उनसे सवाल पूछ लेता है, वैसे ही सेम पैटर्न एनबीएस में पूछा गया है, लेकिन मैं अगर कहूं तो एनबीएस का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि चित्रों की पहचान अगर आपको जब तक नहीं है तो आप चित्रकार कैसे कहलाएंगे। सबसे पहले तो आपको चित्रों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो चित्र की थीम आपको पता होनी चाहिए कि आप देखकर चित्र की थीम पहचान ले, ठीक, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए, उसी से आप लोगों को जो है ये पूरा पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा तो आप एक आर्टिस्ट बन जाएंगे, आप चित्रकला को पहचान जाएंगे। तो वैसे ही मैं यहाँ पर अशोक स्तंभ से, क्योंकि पूछा गया सवाल था, तो देखिएगा यहां से क्या है, अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम मानते हैं, ये तो सब जानते हैं, ठीक है, और राष्ट्र प्रतीक के रूप में हमने इसको कब माना था, 26 जनवरी 1950 को माना गया था, ठीक। इससे एक सवाल आ गया था एनबीएस में, तो उस सवाल को मैं थोड़ा सा यहां पर बता देना चाहूंगी। मूल रूप से देखिए इसमें क्या है, इसमें चार शेर हैं, कितने शेर हैं, चार शेर बनाए गए हैं। बात आती है कि चार शेरों की मुद्रा क्या है, तो यहां पर मैं एक चीज बता देती हूं, देखिएगा इसके नीचे एक गोल आधार है, ये जो चार शेर यहां पर बने हैं, तो इसके नीचे एक गोल आधार दिया गया है, जिस पर ये चार आकृति बनी है, हाथी घोड़ा सांड और सिंह की आकृतियां बनी हुई है, ठीक। प्रत्येक पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है, ठीक, जो धर्म चक्र बना हुआ है प्रत्येक चक्र के बीच में। गोलाकार आधार जो ये बना हुआ है, मैंने यहां से लिया है, ये लाइन थोड़ा सा बीच में आ गई है, तो जो गोलाकार आधार बना हुआ है ये उल्टे कमल की तरह बना है, इसको हम उल्टा कमल भी कहते हैं, ठीक है, तो कई जगह पर हम इसे उल्टा कमल भी कह देते हैं। आपको समझ में आ गया, मेन चीज मेरी है आपको ये वाली समझाने वाली, इन चार शेरों की जो मुद्रा है वो कैसी है, ये चार शेर आपस में बैठे हैं या खड़े हैं, इस तरह से प्रश्न आया था, तो ये जो चार शेर हैं ये खड़े दौड़ती हुई मुद्रा में दिखाए गए हैं, ठीक है, रनिंग करती हुई प्रोग्रेस के रूप में दिखाए गए हैं। तो ये अशोक चिन्ह की खास विशेषता है, सारनाथ से जो ये चीजें ली गई हैं, इसको यहां पर मैंने डिफाइन किया, थोड़ा सा शॉर्ट रूप में किया है, क्योंकि ये शॉर्ट रूप ही आपका आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो स्पेशली मैं कहूंगी इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग, क्योंकि यही चीजें मेन पूछी जाती है। एक तो ये पूछी जाती थी, अब तक आपने देखा है कि उन चार में आपको क्या करता था, आपको हाथी दे दिया, घोड़ा दे दिया, सांड दे दिया, सिंह छोड़ दिया, पूछेगा कि चौथी आकृति कौन सी थी, सिंह। घोड़ा गायब कर दिया, पूछता था कौन सी आकृति थी, बीच में स्पेस दे दिया, चौथी आकृति कौन सी थी, घोड़ा थी, ठीक है, इस तरह से आपको पूछता है।
आपसे पूछ लेगा नीचे एक गोल आधार है, सॉरी नीचे एक आधार है, वो गोल है, आयताकार है, वर्गाकार है, कैसा है? तो गोल है, जैसे अभी पूछ लिया है, जो सामने आकृति उसने दी थी। अब देखिएगा, इसको कुछ लोग कहते हैं वो बैठे हुए सिंह है, वो बैठे हुए नहीं है। आप सामने से उसको देखिएगा, अगर सिंह बैठे हुए हैं तो पैर उसके कैसे होने चाहिए, मुड़ जाने चाहिए, फोल्ड हो जाने चाहिए। लेकिन क्या आपको सिंहों के जो पैर की मुद्रा है वो आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, इसका मतलब वो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए पूरा, इसके बारे में डिटेल जो है आप लोग इसको, इससे ज्यादा डिटेल मैं नहीं मानती कि इसमें कुछ आएगी भी, पूरी डिटेल यही है कि राष्ट्रीय प्रतीक है, इस प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जीके का भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, आर्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन है जो जीके के लिए भी आते हैं। मूल रूप से इसमें चार से हैं और जो चार सिंह की मुद्रा है वो खड़े हुए है, दौड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक, इसमें नीचे एक गोल आधार है और उस गोल आधार के जो गोल आधार है वो किस तरह का प्रतीक होता है, प्रतीत होता है हमें, जैसे खिला हुआ उल्टा कमल है। ठीक है, तो ये सारी जो हिस्ट्री है ये अशोक चिन्ह के रूप में जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। आई होप आज आप लोगों को मेरी जो ये बात है वो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।